किस्से को सुनाते हुए खुद गुलजार भी बेसाख्ता हंस पड़े थे। हालांकि फिल्म घर में रेखा के हीरो रहे विनोद मेहरा किसी वक्त निजी जिंदगी में उनके प्रेमी रह चुके थे, लेकिन उस समय मीडिया में अमिताभ के साथ रेखा के अफेयर की खबरें छाई हुई थी। घर में रेखा के रोमांटिक सीन्स की बड़ी चर्चा हुई। कहा गया कि ये सीन बिल्कुल भी फिल्मी नहीं लगते, लेकिन रेखा ने विनोद मेहरा के साथ इस जबरदस्त केमिस्ट्री में अमिताभ बच्चन के अक्स को शामिल कर ही लिया। रेखा ने कहा था कि स्क्रीन पर मेरे रूहानी दृश्यों में इतनी सच्चाई नजर आई क्योंकि मैंने मन ही मन ये मान लिया था कि सामने विनोद मेहरा नहीं बल्कि वो है। वो अब रेखा के इंटरव्यूज का अहम हिस्सा बनने लगा था। किसी भी सामान्य सी बातचीत में भी रेखा अमिताभ के जिक्र का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उनकी इन बातों ने ही दोनों की चर्चाओं को लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रखा। अमिताभ बच्चन ने कभी भी रेखा की इन टिप्पणियों के जवाब में कुछ नहीं कहा और हमेशा अपने उस तथा कथित रिश्ते से इनकार करते रहे जिसके बारे में सालों तक इतना कुछ लिखा गया है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।